नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ITI एनसीटीयूटी एग्जाम में पूछे गए इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, लाइनमैन, इनके प्रीवियस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, वो सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। यह वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा किस तरह से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह वीडियो ऑर्डनेंस फैक्ट्री रेलवे एग्जाम के लिए भी बहुत फायदेमंद हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट, पहला ऑब्जेक्टिव है सेल का विद्युत रासायनिक यंत्र है जो टिम्ब एवं टिम्ब का बना होता है। इसका सेल एक विद्युत रासायनिक यंत्र है जो इलेक्ट्रोलाइट एवं इलेक्ट्रोड का बना होता है। ये सही जवाब है। अगला ऑब्जेक्टिव है मोटर की दिशा टिम्ब द्वारा बदली जा सकती है। मोटर की दिशा स्टार्टिंग अथवा रनिंग वाइंडिंग के संयोजन परिवर्तन करके बदली जा सकती है। सही जवाब है स्टार्टिंग अथवा रनिंग वाइंडिंग के संयोजन परिवर्तन करने के बदली जा सकती है। अगला ऑब्जेक्टिव है टिम्ब नाप हेतु मल्टीमीटर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। एसी द्वारा माप हेतु मल्टीमीटर प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये सही जवाब है एसी द्वारा। अगला ऑब्जेक्टिव है टिम्ब रेंज बढ़ाने के लिए मल्टीप्लायर प्रयोग किया जा सकता है। सही जवाब है धारा रेंज बढ़ाने के लिए मल्टीप्लायर प्रयोग किया जा सकता है। अगला ऑब्जेक्टिव है एक माप प्रणाली में टिम्ब का विरोध करके एक माप प्रणाली में टिम्ब का विरोध करने के लिए डैम्पिंग टॉर्क प्रयोग की जाती है। एक माप प्रणाली में संकेतक के कंपन का विरोध करने के लिए डैम्पिंग टॉर्क प्रयोग की जाती है। ये सही जवाब है संकेतक के कंपन। अगला ऑब्जेक्टिव है एक चार बिंदु स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल डैश डैश रूप में भी जाना जाता है। एक चार बिंदु स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल होल्डिंग क्वायरल रूप में भी जाना जाता है। अगला ऑब्जेक्टिव है रेडियन क्षमता टिम्ब से टिम्ब का अनुपात होती है। रेडियन क्षमता उत्सर्जित प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश का अनुपात होती है। ये सही जवाब है रेजिस्टेंस क्षमता उत्सर्जित प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश का अनुपात होती है। ये सही जवाब है। अगला ऑब्जेक्टिव है विद्युत आघात एवं विद्युत आर्क प्रभाव में विद्युत टिम्ब यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। विद्युत आघात एवं विद्युत आर्क प्रभाव में विरुद्ध अर्थिंग यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। अर्थिंग ये सही जवाब है।
अगला ऑब्जेक्टिव है धारा प्रवाहों के लिए अच्छी अर्थिंग टिम्ब प्रतिरोधक प्रदान करती है। धारा प्रभाव के लिए अच्छी अर्थिंग निम्न प्रतिरोधक प्रदान करती है, ये सही जवाब है। कार्य करने की दर टिम्ब होती है, कार्य करने की दर शक्ति होती है, पावर सही जवाब है, पावर शक्ति होती है। यह वीडियो आपने देखा इसलिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्त को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।